दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आऊँ टेनिस के रिगार्डिंग 8 पोस्ट मैच एनालिसिस। और जो इस बार पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँ वो लेके आऊँ फॉर्मर ATP रैंकिंग नंबर 1 एंडी मरे वर्सेस मैट्यू बेरेटिनी इटली के खिलाड़ी। शानदार मैच हुआ जैसी उम्मीद थी, बट इन द एंड थोड़ा मैच वन साइडेड हो गया क्योंकि लास्ट सेट में शानदार प्रदर्शन किया मैट्यू बेरेटिनी में। देखा जाए एंडी मरे ग्रास कोर्ट में अभी तक फिनाले सिर्फ एक ही आ रहे हैं। जो फिनाले आ रहे हैं वो भी रॉजर फेडर 2012 में आ रहे थे विंबलडन में, ओलंपिक्स में बड़ा मैच जीते थे रॉजर फेडर से, और आज वो फिनाले एक बार फिर से हार गए हैं। उन्होंने शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया था शुरू राउंड्स में, बट इस फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए मैट्यू बेरेटिनी के आगे, उनकी एट ना चली। सेकंड सेट में तो अच्छा प्रदर्शन किया जो जीते, बट फर्स्ट और फिनाले सेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसमें मैट्यू बेरेटिनी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया एज कम्पेयर टू एंडी मरे, और वो आसानी से जीत गए। और वो ATP रैंकिंग नंबर में थोड़ा सा चाहेंगे इजाफा आना क्योंकि उनके विंबलडन के जो पॉइंट जीतने वाले हैं उससे वो ना खुश हैं और प्लेयर ना खुश भी होंगे। बट देखा जाए एक किस्म से ये सही भी है क्योंकि जो आधे प्लेयर्स नहीं खेल रहे तो उन्हें डिसएडवांटेज ना मिले कि उनके पॉइंट्स एक्स्ट्रा चलेंगे। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस से पहले सेट की ओर। पहले सेट की ओर बचते हैं तो दोस्तों शानदार प्रदर्शन रहा शुरू में, तो दोनों ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा 1-1 किया। उसके बाद मैट्यू बेरेटिनी ने उनकी सर्व थोड़ी अपनी सर्व पे होल्ड रखा, शानदार प्रदर्शन करके लीड चले गए। उसके बाद एंडी मरे भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे और मैट्यू बेरेटिनी भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे। ऐसे ऐसे करते हुए तो पहला सेट खत्म हुआ 6-4 से, मैट्यू बेरेटिनी ने जीता पहला सेट 6-4 से। सेकंड सेट में शानदार प्रदर्शन रहा मरे की ओर से भी बेरेटिनी की ओर से भी, शुरू में 1-1 रहा अपनी सर्विस गेम पे, 2-2 रहा, 3-3 रहा, 4-4 रहा, 5-5 रहा। उसके बाद मैट्यू बेरेटिनी की एंडी मरे ने सर्व तोड़ दी और अपनी सर्व गेम पे होल्ड रखा और 7-5 से जीता सेट। सेकंड सेट अब दोनों सेट 1-1 बराबर हुए थे। पहला सेट जीते थे मैट्यू बेरेटिनी 6-4 से, सेकंड सेट जीते थे एंडी मरे 7-5 से, तो 1-1 सेट ऑल हो गया था। जो लास्ट सेट जीतेगा वो ही फिनाले जीतेगा, और लास्ट सेट जीता मैट्यू बेरेटिनी ने, शानदार प्रदर्शन किया। आते ही मैट्यू बेरेटिनी ने उनकी एंडी मरे की सर्व भी ब्रेक कर दी थी। उसके बाद लास्ट में जब वो सर्विस करवा रहे थे एंडी मरे तो उसमें भी सर्विस ब्रेक कर दी थी, बट जो लास्ट सर्विस ब्रेक हुई है उसमें आसानी से सर्विस ब्रेक नहीं कर पाए मैट्यू बेरेटिनी। काफ़ी बार ड्यूज हुआ, एडवांटेज हुआ, बट इन द एंड मैट्यू बेरेटिनी ने बाजी मारी और मैच जीता, सेट जीता, शानदार प्रदर्शन किया। जो लास्ट सेट था वो 6-3 से जीता, पहला सेट 6-4 से, सेकंड सेट वो हारे थे 5-7 से, थर्ड सेट जीता 6-3 से। अब वो फिनाले जीत चुके हैं और 250 पॉइंट्स उन्होंने जेब में डाल दिए हैं क्योंकि मैट्यू बेरेटिनी ने अभी शुरू में बोला भी था कि विंबलडन के पॉइंट्स नहीं मिल रहे, इससे उनकी ATP रैंकिंग पे काफ़ी असर होगा और वो आउट ऑफ ATP रैंकिंग नंबर टॉप 10 से बाहर हो सकते हैं। अगर स्टैट्स की ओर नज़र डालें तो स्टैट्स काफ़ी शानदार रहे हैं। एंडी मरे ने एसिस 2 डिजिट्स में नहीं लिए बट 9 एसिस लिए। दूसरी ओर मैट्यू बेरेटिनी ने शानदार प्रदर्शन किया, एसिस में 19 एसिस लिए हैं, और मैट्यू बेरेटिनी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, डबल फॉल्ट भी नहीं किया कोई भी, और दूसरी ओर एंडी मरे ने डबल फॉल्ट भी किया। और अगर देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स की ओर तो ब्रेक पॉइंट्स में एक शुरू में सर्विस ब्रेक हुई थी एंडी मरे की, सेकंड सर्व में तो कोई नहीं हुई थी, और हुई थी थर्ड सेट में 2 बार, तो देखा जाए 3 बार सर्विस गेम उनकी ब्रेक हुई है और मैट्यू बेरेटिनी की सिर्फ 1 ही बार सर्विस गेम ब्रेक हुई है, और वो जो सर्विस गेम ब्रेक हुई थी वो थी सेकंड सेट में जो वो हारे थे। और अगर टोटल सर्विस गेम प्ले देखा जाए तो एंडी मरे ने 16 सर्विस गेम प्ले की है, और दूसरी ओर मैट्यू बेरेटिनी ने जो सर्विस गेम प्ले की है उन्होंने 15 सर्विस गेम प्ले किए, उसमें से 14 बार जीते हैं। तो शानदार प्रदर्शन किया मैट्यू बेरेटिनी ने। अब वो हाल ही ओपन या क्वींस ओपन में किसी एक टूर्नामेंट में तो जा ही रहे, और वो चाहेंगे जीतना क्योंकि वो ATP रैंकिंग में अपने पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हैं और आउट ऑफ 10 नहीं होना चाहते हैं। और एंडी मरे भी चाहेंगे कि अल्ले जो वो जा रहे हैं क्वींस ओपन में तो शानदार प्रदर्शन करें, उसमें अगर वो 2 मैच जीत जाते हैं तो वो टॉप ATP 50 प्लेयर के अंदर आ जाएंगे, तो जिससे उनको कोई भी वाइल्ड कार्ड नहीं लेना पड़ेगा विंबलडन में, और सीडेड प्लेयर होंगे। तो मरे यही चाहेंगे, क्या लगता है दोस्तों एंडी मरे ऐसा कर पाएंगे और मैट्यू बेरेटिनी भी अल्ला ATP रैंक 250 जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं? अब अपनी राय दे, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहो दोस्तों। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।